नेक्स्ट हमारे पास अयाज मलिक साहब हैं जो एक हाइपर कैजुअल गेम्स का सेटअप है वो आप रन किए, थोड़ा सा पहले हमें जरा उस सेटअप के बारे में बताएं। राइट अच्छा जी जी हाँ, मैं अयाज मलिक, मैं ये ओजी के अंदर एक कंपनी है ओटी वेंचर्स, उनका हाइपर कैजुअल का सेटअप सारा लीड कर रहा हूँ। हाइपर कैजुअल गेम्स मेनली इस वक्त मोबाइल गेमिंग में सबसे जो डिफ़िकल्ट डेवलपमेंट परस्पेक्टिव से और बिजनेस परस्पेक्टिव से गेम्स हैं, हाई क्वालिटी जो मोस्ट हाई क्वालिटी गेम्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं, जो आजकल बड़ी क्वांटिटी में लोग जिसको खेलते हैं। तो हम लोग तकरीबन जनवरी से स्टार्ट किया है और 4 to 5 टॉप वर्ल्ड के पब्लिशर्स हैं, मेजॉरिटी जिनमें से US और UK के हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं और गेम्स वगैरह बना रहे हैं और चल रहा है, अच्छा सेटअप जा रहा है। तो आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे यहाँ का जो टैलेंट है, यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये गेमिंग को ऐप्स को ये किस लेवल पे लेके जा सकते हैं दुनिया के नक्शे पर? जी डेफिनेटली यहाँ पे बहुत टैलेंट है, बिल्कुल बड़ा इजीली आपको ऐसे फ्रेश ग्रेड्स भी अगर आप लें तो वो इस क्वालिटी के ज़रूर आते हैं कि उनकी थोड़ी सी ग्रूमिंग के साथ वो टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी गेम्स जो हैं डेवलप कर सकते हैं। और आर्टिस्ट भी बिल्कुल स्पेसिफिकली आर्ट में हमारे पास ज़्यादा टैलेंट है कम्पेयर टू डेवलपमेंट, बट येस यहाँ पर बिल्कुल ऐसा है। और हमारे काफ़ी स्टूडियोज़ यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनकी गेम्स वर्ल्ड वाइड इस पर कम्पीट भी कर रही हैं, जिनमें से हमारी भी कुछ गेम्स हैं। तो यस टैलेंट तो यहाँ पे बहुत है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जितनी स्पीड में इसकी ग्रोथ हो रही है यहाँ पे ये आगे भी बहुत जाएगा। और ये सब कुछ लोगों के लिए शायद ये हैरत की बात हो कि पाकिस्तान में वर्ल्ड क्लास गेम्स जो हैं वो डेवलप हो रही हैं, लोग समझते हैं कि यहाँ काम नहीं हो रहा, इंडिया में हो रहा है, ओवरसीज़ हो रहा है, लेकिन आप सब कुछ यहाँ बैठे हुए जो पाकिस्तान से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको टफ टाइम दे रहे हो, तो गुड लक जी, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे और आपका जो भी नॉलेज एक्सपीरियंस है हमने इंस्पायर करना है जो अपनी यूथ है हमारी पाकिस्तान की। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे पास राव आतिफ साहब हैं, ये सिंगापुर से स्पेशल गेस्ट हैं, बल्कि गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, ये जो सारी महफिल हो रही है यहाँ, जो बारबेक्यू हो रहा है। तो राव साहब आप मुझे बताएं कि कैसा महसूस हो रहा है यहाँ के? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल जी थैंक यू सो मच फॉर अरेंजिंग ऑल दिस। ज़बरदस्त नेटवर्किंग हुई है पाकिस्तान में, बहुत पुराने पुराने दोस्तों से भी मुलाकात हुई है, इंटेलेक्चुअल से मुलाकात हुई है, सो एक्साइटेड टू नो अबाउट वेयर यू नो वी आर हेडिंग। जो ये यू नो द सीड विच वाज बोर्ड, मैं वो बात कर रहा हूँ कि यानी आई नो उस्मान फ्रॉम लास्ट 2 decades, तो जो इसके प्लान्स आज से 20 साल पहले थे, तो आई एम सो ग्लैड टू सी देम यू नो फेसिंग द रियलिटी। तो और वो ये भी शो करता है कि यार आपकी अगर डिटर्मिनेशन हो, यू हैव द पैशन एंड यू हैव बिगर गोल्स टू यू नो हिट, तो आप फाइनली उधर जाते हैं। और वो माशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू कैन सी कि कितने वर्टिकल्स खड़े हो चुके हैं, किस तरह से लोग ग्रो कर रहे हैं, और अगर आप ओवरऑल इसका देखें किस तरह से इम्पैक्ट आ रहा है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, इमेज बिल्डिंग के ऊपर, नए एवेन्यूज़ क्रिएट करने में, स्पेशली आप ये पावर सेक्टर में EV में आप जाकर देखें, तो इट्स ए कम्प्लीटली न्यू इनिशिएटिव एंड विच इज़ अ गेम चेंजर इनिशिएटिव एज वेल। आप उसकी एप्लीकेशंस देखें और देखें मोबाइल डेवलपमेंट में जो काम हो रहा है, विच इज़ अगेन फिनोमिनल, विच इज़ ऑब्वियसली रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन ग्लोबल मार्केट्स। तो इन समरी यानी बहुत अच्छा काम हो रहा है, देखकर खुशी होती है, बाहर से स्पेशली आकर बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, आप ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ मैं इशारा करूँगा कि वो देखते हैं, ख़ास तौर पे जब आप बाहर होते हो अपने मुल्क के हालात देखते हो तो बंदा कुड़ता बड़ा है कि यार किधर इतना पोटेंशियल है, कुछ हो नहीं रहा, लेकिन आप एक डिफरेंट किस्म की पिक्चर देख रहे हो, ख़ास तौर पर हमारे उस्मान भाई जैसे लोग ये जो एफर्ट कर रहे हैं, ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको अब क्या लगता है कि पाकिस्तान सही डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो गया? देखें जी, आई बिलीव, मैं बड़ा स्टॉन्च बिलीवर हूँ, वेर एवर देर आर चैलेंजेस देर आर अपॉर्चुनिटीज़। एंड इफ़ यू आस्क मी, अगर मैं जो होलिस्टिक व्यू देखता हूँ पाकिस्तान का, उसके अंदर देर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान। वाई आई एम सेइंग सो, हम बाहर बैठते हैं ना, हम देखते हैं यार ये सिस्टम्स बड़े आगे हैं, ये प्रोसेसेस बड़े आगे हैं, ये मुल्क बहुत आगे है पाकिस्तान से, लेकिन ऑन दी अदर साइड आप ये भी तो देखें ना कि पाकिस्तान ने कैचअप करना है उन सब चीज़ों में, तो कैचअप करना है तो देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। अब वो अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को किसने यूटिलाइज़ करना है, सबसे पहले पाकिस्तानियों ने यूटिलाइज़ करना है। तो देर आर सो मैनी अनटैप्ड एवेन्यूज़ जो कि हमारी यूथ ने, हमारी अपकमिंग जो लीडरशिप आ रही है जिन्होंने आगे इस मुल्क को लेकर चलना है, उनके लिए देर आर सो मैनी एवेन्यूज़। तो बाहर
बैठकर ठीक है, देर आर प्रॉब्लम्स, मैं ये नहीं कहूँगा कि जी इट्स ए यू नो ऑल ग्रीन पिक्चर, देर आर प्रॉब्लम्स बट देर आर अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल, एंड इफ़ यू हैव डिटर्मिनेशन आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, आप उन्हीं प्रॉब्लम्स के अंदर से नए सोल्यूशंस निकालते हैं जो कि ना सिर्फ उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं बल्कि और उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप जैसे लोगों ने और ख़ासतौर पर ओवरसीज पाकिस्तानीज ने एक ही रोल प्ले करना है इसकी इस मुल्क की डेवलपमेंट में। तो अगर आप देख रहे हो आप एक की रोल प्ले करना चाहते हो, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आपके सामने एग्जांपल्स मौजूद हैं, ज़बरदस्त किस्म की खुशी हुई आपसे आपके साथ मिलकर। तो इंशाल्लाह आपके साथ गपशप भी रहेगी और आप जैसे जो लोग हैं वो अगर आप जैसा काम करना चाहते हैं उनको गाइडलाइन भी देंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू।